के हमारे वैसे मेहमान मिलकर कहूंगा मुख्तार का गाजी बेबाक लीडर लीडर। जब भी जिस भी महफिल में जाते हैं महफिल को अपना बनाते हैं हम सब के दिलों की धड़कन जनाब अलहाज मियां शेख बकास अकरम साहब को दावत दूंगा तालियों के साथ इस्तकबाल शेख साहब चंगा जोड़ के चंगा सूते रखे खासकर लोटे आते बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नहायत ही काबिल एहतराम काबिल अकीदत साहबजादा पीर कासिम सियालवी साहब ईसा मिलादत हो जलसे में मेरे और आपके उम्मीदवार हल्का 127 मां नवाज भरवाला साहब और जितने भी मौजूदीन और हस्तियां मेरे साथ स्टेज पे मौजूद हैं आप सब उनसे शनाशा हैं जानते हैं मैं इसलिए नाम नहीं कह रहा और खसूसन आप जो इस पंडाल में मेरे सामने मौजूद हैं। मैं अपनी गुफ्तगू शुरू करूंगा सबसे पहले मुंतजमीन का शुक्रिया अदा करूंगा और मुझे अंदाजा है कि आज की ये महफिल आज का ये कट आज का ये जलसा मुमकिन ना होता अगर मेरे भाई शकी नवाज दौल साहब इन बच्चों के साथ तआवुन ना करते और इनकी हिम्मत साफ ना होती और बार गुलाम अब्बास यहां बैठे हैं मेरे भाई ये भी इन बच्चों की हिम्मत और जज्बा बने और इसको बढ़ाया जिसकी वजह से ये सारा इनका शुक्रिया भी मैं ना अदा करूं तो वो भी नामुनासिब होगा और जिसमें मार हसीब नौल मार परवेज इकबाल नौल और इनके जितने रुफका जितने दोस्त खसूसन टाइगर फोर्स का जिक्र किया उन्होंने यहां चक नंबर 232 के हवाले से उन बच्चों का भी उन नौजवानों का भी तो मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं आपका बहुत शुक्रिया कि आपने आज ये जलसा यहां पे मुरक्कब किया है जिसकी नस्बत से हम सब के सब यहां पे मौजूद है और आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ये बड़ा अहम जलसा है जलसे हमने बहुत किए हैं हर चक में हर मौजे में जलसे किए हैं मगर जो 232 का ये जलसा है इसकी अपनी ही अहमियत है 232 के जलसे की अपनी वक्त है इसका अपना मुकाम है और उसकी वजह सिर्फ ये है पीर साहब ये वो तब्दीली है जिसके लिए शायद इमरान खान बात करता रहा मैं तो इमरान खान साहब का नाकिब रहा हूं उतने साल वो तो पिछले दो महीने के फैसले इस हुकूमत के जिसने मुझे राय तब्दील करने में मजबूर किया है मैं ये कहता चलूं कि शायद यही ये तब्दीली है कि जो हमारे दोस्त और वो सब हमारे दोस्त ही हैं हमारे ताल्लुक वाले हैं हमारे अजीज ही हैं जो हमारे खिलाफ खड़े हैं जो ये समझते हैं कि शायद हम आज भी सन 1920 के दौर में रह रहे हैं जहां बगैर किसी मंशूर के बगैर किसी मिशन के वोट दे दिए जाते थे दौर तब्दील हो गया है वक्त तब्दील हो गया है आपके बच्चे आपसे सवाल करते हैं नौजवान सवाल करते हैं कि ये जो वोट लेने आया है इसका मंशूर क्या है इसकी कारकर्दगी क्या है इसकी परफॉर्मेंस क्या है इसने पिछली दफा हमसे वोट लिए थे हमें बताए साढ़े तीन साल का हिसाब दे पिछले साढ़े तीन साल में इसने इस इलाके के लिए किया क्या है अगर कुछ किया होगा तो हम जरूर इसके साथ और ये फैसले सिर्फ मुकामी सतह पे नहीं हो रहे हैं बल्कि वो ये भी देखना चाहते हैं कि जिस पार्टी की टिकट इस उम्मीदवार के पास है उस पार्टी का मिशन क्या है उस पार्टी का मंशूर क्या है उस पार्टी का एजेंडा क्या है उस पार्टी का कायद क्या कहता है वो पार्टी किस हुकूमत के सामने डट के खड़ी है उस हुकूमत के सामने जो हुकूमत सिर्फ ये नारा लगा के इस सिंहासन पे बैठी कि हम महंगाई खत्म करेंगे महंगाई कम करेंगे पेट्रोल की कीमत कम करेंगे बिजली की कीमत कम करेंगे अशियाए खुर्दनोश की कीमत कम करेंगे मगर दुहाई है दुनिया रो रही है लोगों का जिंदा रहना जीरन हो गया है आप बिजली की तरफ देख रहे हैं
और बिजली से मुझे याद आया 232 वालों, सिर्फ 17 जुलाई तक ये जितने नून लीग के साथ खड़े हैं, मैं इन दोस्तों को भी कहता हूँ, पलट आओ, वापस आओ, दोस्तों के साथ खड़े हो जाओ, मुल्क के दोस्तों के साथ खड़े हो जाओ, वसेफ के दुश्मनों के साथ खड़े मत हो, इसलिए कि ये मुल्क में लोड शेडिंग है। 127 मेगावाट में बिजली मिल रही है तो सिर्फ 17 तारीख तक मिल रही है। मैं तुम्हारी शक्ल देखूंगा कि 17 जुलाई के बाद अगर यहाँ लोड शेडिंग ना हुई, ये सिर्फ मेहरबानियां तुम्हारी 17 जुलाई तक है, इस इलेक्शन तक है। ये सारी ईंटे जो अगले ट्रॉलियों में डाल के तुम्हारे घरों तक ला रहे हैं, ये भी 17 जुलाई तक है। तुम क्या समझते हो ये चंद दिन बिजली जो है वो हमें सप्लाई करके तुम हमें खरीद लोगे, तुम अपनी हुकूमत का इम्प्रेशन बेहतर कर लोगे? ये 7 शहर का हल्का, इसमें घंटे घंटे बाद बिजली जा रही है। 127 वाले तुसी आज इतने किवें सोने हो गए हुकूमत वास्ते, में थोड़े अल बिजली कोई नहीं जाती, उन्हें जो शहर वाले वास्ते जाते। ये सिर्फ और सिर्फ 17 जुलाई की मेहरबानियां है। 17 जुलाई के बाद तुसी सारे बराबर पूरे जिले आए, फिर तुहानू किसे नहीं लबना इत्थे, ना मां रसलम लब सी ते ना मेरे लगते जेड़े मेहरबान मेरे बुजुर्ग मेरे अजीज और तुहाडे भी अजीज उन्हां दे नाल खड़ोते ने, ना भी कोई नहीं लबना उहदे नाल। सिर्फ इसलिए कि मैं एक दो दोस्तों को जानता हूं जाती तौर पर, और मैं जिक्र करना मुनासिब समझता हूं कि पूरे 3 साल महाराष्ट्रम के गिलेशिप में मेरे साथ करते रहे बैठ के, और मुझे कहते रहे कि इसको वोट नहीं देंगे, मुझे कहते रहे कि ये इस काबिल नहीं है, मुझे कहते रहे कि कोई हिस्सा नहीं है, मुझे बताते रहे कि बिल्कुल साफ है 32 में से कुछ नहीं मिलेगा। मैं अपने उन बुजुर्गों को कहता हूं आज कैसे कहा पलट गई है, आज जिसका कल कुछ नहीं था आज उसका कुछ कैसे हो गया, जो कल इस काबिल नहीं था वो आज इस काबिल कैसे हो गया, जो कल आप समझते थे कि डिजर्व नहीं करता वो आज डिजर्व कैसे करने लग गया है। तो मैं ये समझता हूं ये हुकूमत आती जाती रहती है, ये जो सारी आवाम खड़ी है इन्हें भी हुकूमत से काम होंगे, वकास अकरम को भी हुकूमत से काम होगा, यहाँ जो ऊपर बैठे हैं सबको हुकूमत से काम होंगे, मगर कलमा हक पहले है, सच पहले है, अपनी मर्जी पहले है, अपनी आजादी पहले है। हम न किसी हुकूमत से डरते हैं, ना किसी हुकूमत का कुछ समझते हैं, चाहे कोई वफाकी हुकूमत है चाहे कोई सूबाई हुकूमत है, ये लोगों का वोट है, किसी के बाप का वोट नहीं है जो हमसे जबरदस्ती ले सके। इस वोट की इतनी कम कीमत नहीं है जो 2 ट्रॉलियां ईंटों की गिरवा के आप समझे कि उस वोट को खरीदा जा सके। इस 232 के लोगों की मैं 232 वालों से सवाल करना चाहता हूं, और खसूसन आप लोगों से, क्या आप लोगों को पटवारी सस्पेंड करके आपसे वोट लिए जा सकते हैं? क्यों भाई, सिर्फ एक पटवारी को सस्पेंड कर दिया है और फिर आपसे वोट मांगते हैं? क्या आप डर गए हो? हाथ खड़ा करके बताओ कि हम डरे नहीं हैं। आप एक डरे तो नहीं हो, हुकूमत का मुकाबला करना जानते हो ना, और करोगे? क्या मुजम्मिल कल्याण को सस्पेंड करके तुम इलेक्शन जीत जाओगे? क्या किसी सिपाही को सस्पेंड करके इलेक्शन जीत जाओगे? क्या किसी स्कूल टीचर का तबादला करके तुम इलेक्शन जीत जाओगे? क्या किसी को जमीनों की फेवर देके इलेक्शन जीत जाओगे? क्या किसी के एसी के पास फंसे हुए केस निकाल के तुम इलेक्शन जीत जाओगे? क्या इतना बेवकूफ समझते हो, क्या इतना बेगरज समझते हो हमें कि हमें तबादलों से डरा के हमारे वोट ले लोगे? क्या इतना घटिया समझते हो हमें कि 2 ट्रॉलियां ईंटों की फेंक के हमसे वोट ले लोगे? क्या तुम्हें जवाब दिया हमने, घटिया है ना, बेगरज है ना, कमजोर है और ना बजर है कि सरकार से डर के अपनी मर्जी के खिलाफ वोट देंगे? अगर हम वोट देंगे हम अपनी मर्जी से वोट देंगे, हम किसी के बाप के नौकर नहीं। अगर हम वोट देंगे तो अपने पीर के हुक्म पे वोट देंगे, अगर हम वोट देंगे तो हम अपनी मर्जी से वोट देंगे, अगर हम वोट देंगे तो हम राजी करेंगे उन लोगों को जिनके साथ हमारे मोहब्बतों के रिश्ते हैं, जिनके साथ हमारे अकीदतों के रिश्ते हैं, उनको राजी करने की कोई जरूरत नहीं है जो हमें डंडा दिखाते हैं। महाराष्ट्रम के पास झंडा था और आखिर में सिर्फ डंडा रह गया, डंडा है तो रखो अपने पास, इस डंडे से हुकूमत नहीं मिलेगी तुम्हें। हमने कल भी इनकार किया, आज भी इनकार करते हैं। मैंने महाराष्ट्रम को वोट दिया और सैकड़ों नहीं हजारों वोट दिए हैं, यहां तो मार अपने धड़े से लड़ता चला गया है। मैंने अपनी यूनियन काउंसिलों में पीर साहब महाराष्ट्रम को जितवाया, जितना नुकसान इस हल्के का था वहां नुकसान भी पूरा किया, लीड भी लेके दी,
अब मैं साथ नहीं हूं, हमारे साहब जीत लो इलेक्शन तुम। जिंदाबाद शेर साहब, जिंदाबाद। और सिर्फ मैं नहीं उतर गया, पीर साहब आपके हुक्म पे और हम दोस्तों की मेहनत से बहुत से ऐसे धड़े मार साहब को छोड़ के चले गए हैं जो पिछले इलेक्शन में उनके साथ थे। और यही इलेक्शन बनता है, पुराने लोग संभालने से इलेक्शन नहीं बनता, नए लोग साथ मिलाने से इलेक्शन बनता है। ये मैं बार बार कहता हूं कि पहली हुकूमत मैंने देखी है जो जिमनी में इतने वजीरा दी पांड बैठते सन, मगर सिर्फ मां पुराने बंदे सांभ के देंदे, पहले नवे चढ़ा के नहीं देते। तो पुराने बंदे नहीं संभले, पुराने बंदे चले गए मार साहब। और मैं अपने इन भाइयों दोस्तों को भी कहूंगा जो यहां पे मौजूद हैं, अपने बच्चों की आवाज सुनो, अपने नौजवानों की आवाज सुनो, अपने मुस्तकबिल की आवाज सुनो, अपने पीर की आवाज सुनो, अपने दोस्तों की आवाज सुनो, अपने कायदीन की आवाज सुनो, सुनो उनकी आवाज जिन्होंने तुम्हारे साथ रहना है, उनकी आवाज ना सुनो जिन्होंने कल लाहौर वापस चले जाना है। किसी लाहौर के किसी एमएलए को बुला के 232 में जलसा कराने से क्या फर्क पड़ता है? कौन जानता है किसी लाहौर के एमएलए को यहाँ पे? कौन जानता है किसी वजीर को यहाँ पे? कौन जानता है कोई गुजरात से है, कोई मुल्तान से है, क्या पड़ा है किसी का? अगर यहाँ पे रिश्ता है तो आपका और मेरा रिश्ता है, अगर इस जमीन से कोई रिश्ता है तो आपका और मेरा रिश्ता है, अगर अकीदत का कोई रिश्ता है तो हमारी अकीदतें यहाँ पे मौजूद है, हमारे पीर यहाँ पे मौजूद है, हमारी मोहब्बतों का इम्तिहान लेना है तो हमारे वर्कर यहाँ पे मौजूद है। इसलिए मैं कहता हूं कि ये इलेक्शन बड़ा आसान इलेक्शन है। 17 जुलाई को जैसे पहले इस नौजवान ने कहा कि ये इलेक्शन ना इमरान खान का है, ना ये नवाज शरीफ का है, ये इलेक्शन तुम्हारा और मेरा है, तुम्हारी और मेरी गैरत का इम्तिहान है। गैरत का इसलिए कि हम आजाद जहन के लोग हैं, अपनी मर्जी के मालिक हैं, जिसको दिल करता है उसको वोट देते हैं, किसी का बाप अपनी मर्जी के खिलाफ हमसे वोट नहीं ले सकता है। हम इसीलिए आजाद है, इसीलिए गैरतमंद है और इसीलिए हम बैठ को और नवाज फरमाने को वोट देंगे। जो ये कहते हैं कि यहाँ पे धांधली हो जाएगी, जो ये कहते हैं कि यहाँ पे 20,000 से गिनती शुरू होगी, और तुम क्या समझते हो हमें? तुम समझते हो कि हम 1920 में बैठे हैं? ये वो दौर नहीं है जब लकड़ी की सदुकड़ियां उठा के लोग भाग जाया करते थे, ये वो दौर नहीं है। एक पर्ची जाली नहीं पड़ेगी, ना हम डलने देंगे, चलेंगे हमारा, चलेंगे हमारा, जो नहीं हो सकता वो करके देख लो। एक पर्ची तुम सिर्फ यही कर सकते हो कि हाँ, हाँ तुम सिर्फ यही कर सकते हो भाई, चुप हो जाओ, तुम सिर्फ यही कर सकते हो कि इन बच्चों को रोकने की कोशिश कर सकते हो, इन नौजवानों को रोकने की कोशिश कर सकते हो। मुझे इस नौजवान ने बताया कि एक ग्राउंड में जब इन्होंने ये कट रखने की कोशिश की, ये जलसा मुनक्कद करने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा यह सरकार का है, सरकार का है तुम्हारे बाप का, सरकार का है तुम्हारे बाप का है। आज पूरे शहर की सरकारी सड़कें रोक के तुमने रैली निकाली, तुम्हें पूछा किसने? तुम हमें बताते हो कि ये मैदान सरकार का है, जो सरकार का है वो हमारा है। दूसरी जगह पे गए, फिर उन्होंने कहा यहां नहीं करने देंगे, किसी और पार्टी को उन्होंने कहा, उनको भी डराया धमकाया, क्या बहरहाल उनकी मेहनत की जैसे भी किया, और आज आके फिर फाइनल ये हम यहां पे बैठे हैं। जब इनके बुजुर्गों ने कहा भी हम आपके साथ हैं, आप हिम्मत करें, और मैं जिन्होंने ये करवाया मैं उनका दोबारा शुक्रगुजार। और ये बड़ा वाजह पैगाम है, जिस जज्बे से आप खड़े हैं मेरा दिल बड़ा खुश है। दांधली मैं नहीं होने देता पर्चियों वाली, ये हल्लण तू से नहीं देवड़ा इन हल्क बोले, जैसे मैंने कहा ना वहां पे 175 में जलसा था कि बलोच एक गयूर कौम है और ये गैरत का इम्तिहान है। ये नौलो और बाकी जरिया कौम 232 इतने बैठे ने, ये तुसी भी गयूर कौम हो, डंडके वाली कौम हो, ये चौटा भी इम्तिहान दे, नॉल किसे तू ठांदे नहीं, ते किसे दी ढोल ठांदी है चांदे, और 32 में जितनी और कौमें बैठी मैं सबसे मुलतमिस हूं कि आप एक दूसरे का साथ दे और डट के खड़े हो जाए, ऐसी की तहसील हिलेगा नहीं वहां। और हमने कोई धांधली तो करनी नहीं है, धांधलियों की कोशिश तो हुकूमत करती है, हमने तो सिर्फ अपना वोट भुगताना है, और वोट बहुत है, खत्म ही नहीं होता, वोट बहुत है,
खत्म नहीं होता और जिनके वोट ज्यादा हो लड़ाई उनके बारे में नहीं होती, वो कोशिश करेंगे। आपने कोशिश करनी है कि वोट भुगत जाए, तो नहीं कोई खलौंदा होया तो वोट अगली गल कुछ। मैं सिर्फ आपको ये बताता चलूं कि इलेक्शन वाले दिन आपने ये हिम्मत करनी है और एक वादा करना है। मैंने पिछले जनसभा में भी वादा लिया है, आप यहाँ पे बहुत से लोग अपनी पार्टी के लिए आए हैं, बहुत से अजीज मेरे हमारे पीर साहब कासिम सियालवी साहब की वजह से मौजूद हैं। सियालवी आपके हमारे दोस्त यहाँ पे मौजूद हैं, एक वादा तो कर सकते हो, सानू एक दिहाड़ तो दे सकते हो कि नहीं? एक दिहाड़ सिर्फ दे सकते हो, वादा करो भाई एक दिन सिर्फ सता दो। और वो वादा सिर्फ ये है कि वोट डाल के घर नहीं जाना, वोट डाल के पोलिंग पे खड़े हो जाना है। जितना वोट पोलिंग पे मां नवाज को पड़ेगा, अगर हर शख्स वहां वोट डाल के 5 बजे तक खड़ा रहा तो किसी की जरूरत नहीं है कि हिल भी जाए आपके सामने। इस वक्त शाम होगी, 5 बजेंगे, पोलिंग बंद होगा, उस वक्त आपको पता लगेगा कि जो शख्स वहां वोट डालने के बाद वहां खड़ा हुआ, सैकड़ों की तादाद में लोग वहां पे खड़े हैं। और जब सैकड़ों लोग खड़े होते हैं तो हजारों बनते हैं, और जब हजार लोग अपने हक पे पहरा देते हैं तो 232 में कुछ नहीं हिल सकता है। बस मेरा यही आपसे वादा था, वादा लेने के लिए मैं आया था कि वो एक दिन आपने अपने इस उम्मीदवार को देना है। देखो ये अब हम तुम सबकी इज्जत का सवाल है, लोग की कहेंगे, तुसी सारे भी डल गए, पीर साहब भी आ गए, वकास अकरम भी पीर साहब ने नवाज के नाल खड़ा कर दिया, उस तो बाद भी ऐसा इलेक्शन इतो कुट के ना कटिए तो सवाल कोई नहीं। क्यों भाई इलेक्शन कुट के कटोगे कि नहीं? थोड़ा हफ्ते आगे दसो मेरे बाहर कुट के कर सो के नहीं कर सो? 17 जुलाई को नवाज के शारा बशारा चलोगे या नहीं? बस आप नारा लगाओ, चलोगे या नहीं चलोगे? हिम्मत करोगे या नहीं करोगे? असलम के खिलाफ लड़ोगे या नहीं लड़ोगे? ये मुखालिफ पार्टी को भगाओगे या नहीं भगाओगे? हिम्मत करोगे, जीत के दोगे, साथ खड़े होगे, कंधा मिला के खड़े होगे? आवाज थोड़ी है ऊंचा करो, कहो कंधा मिला के खड़े होंगे, कंधा मिला के खड़े होंगे। और याद रखना, जिस वक्त देखो मुखालिफ कैंडिडेट को तो एक नारा लगाओ, कहो बंदे। चलो बहरहाल तुम्हारी खुशी है, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि जब आप मुखालिफ को देखें तो कहें ना मंजूर है ये। क्या कहें? जब देखो इस मुखालिफ तो कहो, क्या कहो? जब मुखालिफ को देखो तो कहो, असलम को देखो तो कहो, सुल्तान सिकंदर को देखो तो कहो, जब इनके वर्कर देखो तो कहो, जब इनकी गाड़ियां देखो तो कहो, जब इनके पोस्टर देखो तो कहो, जब इनके बैनर देखो तो कहो। आवाज़े खल्क नकारा है खुदा, ये सब नामंजूर ने अल्लाह ताला तुहानू 17 जुलाई नू फतह नसीब करेगा।